तो गाइस हेलीकॉप्टर को अच्छे से टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने इसके लिए एक ट्रैक बना दिया है ताकि इसकी स्टेबिलिटी इसकी पावर मैं टेस्ट करूँ। हेलो गाइस, आज देखो मेरे पास इतना बड़ा एक बॉक्स आ चुका है। इसके अंदर मैंने मंगवाए हैं दो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर। अंदर तो एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि प्रोफेशनल से फ्लाई करा सकते हैं। वो हेलीकॉप्टर फ्लाई कराने के लिए मेरे को ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी गाइस। तो फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं कौन से हेलीकॉप्टर आए हैं। यहां से मैं बॉक्स को पहले खोल लेता हूं। गाइस, आपने अभी तक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से दबा देना। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि बहुत बड़े साइज का हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, तो देखो गाइस फाइनली एक बहुत बड़े साइज का हेलीकॉप्टर मैं लेके आ चुका हूँ। ये है ऑटो G2V2 का जायरो हेलीकॉप्टर। एक बार इसका साइज तो देखो यार, कितना ज्यादा बड़ा है। इस वजह से गाइस ये हेलीकॉप्टर को हम लोग बिल्कुल भी इंडोर में नहीं फ्लाई करा सकते हैं। इसको फ्लाई कराने के लिए अलग से ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है और इसको सिर्फ हम लोग आउटडोर में ही फ्लाई करा सकते हैं। और ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी रेडी टू फ्लाई नहीं आता है, ये अलग अलग पार्ट्स में आता है। सारे पार्ट्स को जोड़कर एक इस तरीके का हेलीकॉप्टर हम लोगों को बनाना पड़ता है। तो फिलहाल गाइस अभी ये हेलीकॉप्टर को किस तरीके से चलाना है इसकी मैं ट्रेनिंग लेने वाला हूँ, उसके बाद इसको आपको फ्लाई भी करा के बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए ये हेलीकॉप्टर को साइड में रखते हैं। तो आज मैं जो हेलीकॉप्टर अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूँ वो है ये वाला हेलीकॉप्टर। इसका नाम है इंटेलिजेंट एरो मॉडलिंग RC हेलीकॉप्टर। भाई सच बता रहा हूं, आज से पहले मैंने इतना ज्यादा कमाल का हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी नहीं देखा है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, नॉर्मल जो हेलीकॉप्टर होता है उसके ऊपर की तरफ इस तरीके के प्रोपेलर्स होते हैं, पर ये हेलीकॉप्टर के अंदर देखो गाइस यहाँ पे एक प्रोपेलर है साइड में ड्रोन की तरह, इस तरफ भी एक प्रोपेलर दिया गया है, साथ में पीछे टेल के पास भी एक प्रोपेलर दिया गया है। ये बॉक्स को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये खुल चुका है इसका बॉक्स, इस तरफ मैं इसको पलट देता हूँ। सबसे पहले ये रहा गाइस हेलीकॉप्टर। इसके अंदर और क्या क्या चीजें वो भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स है, ये इसका भारी भरकम रिमोट कंट्रोलर है। यहाँ पे 4-way जॉयस्टिक्स दोनों ही तरफ इसके अंदर दिए गए, ऊपर की तरफ IR सेंसर दिया गया है। ये एक छोटी सी मेरे को दिक्कत लग रही है, थोड़ा सा व्हील भी दिया गया है गाइस, पता नहीं ये क्यों दिया गया है। इसको उड़ा के देखते हैं थोड़ी देर में। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो 4 अलग अलग प्रोपेलर्स है। ये ऊपर की तरफ 2 प्रोपेलर है, नीचे की तरफ 2 प्रोपेलर है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ड्रोन की तरह यहाँ पे एक प्रोपेलर है, इस तरफ एक प्रोपेलर दी गई है। 4D हेलीकॉप्टर बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी दिखने में ये हेलीकॉप्टर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर जैसा मेरे को लग रहा है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास इतने ढेर सारे ऑलरेडी हेलीकॉप्टर्स है। आज इन हेलीकॉप्टर्स को मैं एक टास्क देने वाला हूँ, देखते हैं गाइस कौन सी हेलीकॉप्टर मेरा टास्क पूरा कर पाएगी। तो चलो गाइस फटाफट से पहले मैं ये हेलीकॉप्टर को फ्लाई करा के दिखाने वाला हूँ, देखते हैं कितने स्टेबल से फ्लाई करता है और कितना वेट लेके फ्लाई कर पाएगा। तो गाइस हेलीकॉप्टर को अच्छे से टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने इसके लिए एक ट्रैक बना दिया है। हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ से टेक ऑफ करेगा, टेक ऑफ करने के बाद मैं इसको ऊपर लेके जाकर यहाँ पे थोड़ा सा इसको फ्लाई कराऊंगा, देखूंगा कि हेलीकॉप्टर सही से फ्लाई कर रहा है या फिर नहीं। उसके बाद मैं हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लैंड कराने की पूरी कोशिश करूंगा, फिर मैं हेलीकॉप्टर को ऊपर लेके जाऊंगा, फिर यहाँ पे एग्जैक्टली ये जगह पे लैंड कराने के लिए ट्राई करूंगा। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा हेलीकॉप्टर काफी स्टेबल तरीके से फ्लाई कर रहा है या फिर नहीं। ये टेस्ट में भी हमारा हेलीकॉप्टर अगर पास हो जाता है तो उसको मैं निकालूंगा ये टेबल के नीचे से। टेबल के नीचे से देखो भाई, हमारे हेलीकॉप्टर को काफी अच्छे तरीके से बैलेंस करके फ्लाई करना पड़ेगा, वरना ये टेबल के ऊपर भी टकरा सकता है या फिर नीचे जमीन से भी टकरा सकता है। उसके बाद देखो हमारे हेलीकॉप्टर को मैं यहां से लेके आऊंगा, यहां से भाई उसको एकदम खतरनाक तरीके से शार्प टर्न कराऊंगा। फिर यहाँ पे देखो मैंने दो बड़े बड़े रिम्स लगा रखे हैं, ये रिम के अंदर से निकालूंगा, फिर हेलीकॉप्टर को ये रिम के अंदर से निकालूंगा, फिर हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लैंड कराने के लिए ट्राई करूंगा। उसके बाद ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं इनको हेलीकॉप्टर के नीचे बांधेंगे, फिर हेलीकॉप्टर को फ्लाई कराने के लिए ट्राई करेंगे। देखते हैं हेलीकॉप्टर इन बॉक्सेस को ये टेबल के ऊपर लैंड करा पाएगी या फिर नहीं। सबसे पहले मैं C-186 हेलीकॉप्टर को फ्लाई कराने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास जितनी भी हेलीकॉप्टर है ये उन सब में सबसे स्टेबल फ्लाई करती है और सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। भाई देखो यार कितनी ऊपर ये उड़ के आ चुकी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, ये धीरे धीरे करके नीचे आ रही है और थोड़ा मेरे को नीचे करना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया गाइस, ये हेलीकॉप्टर के साथ यहाँ पे ये टकराई है यार, देख रहे हो ये कम्प्लीटली मेटल का बना हुआ है। जैसे ही टकराई है यहाँ पर आकर ये रुक चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब ये हेलीकॉप्टर ट्रैक से कम्प्लीटली बाहर हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास आ चुकी है रॉकेट लॉन्चर RC हेलीकॉप्टर।
ये मैंने इसको टेक ऑफ करा दिया है गाइस, देखते हैं टारगेट के ऊपर ये लैंड कर पाएगी या फिर नहीं। अभी मैं इसको नीचे लेके आने वाला हूँ। तेरी ये क्या हो गया, मैं इसको धीरे धीरे नीचे लैंड कराने वाला था पर अचानक से ये नीचे गिर चुकी है। अब इसको भी मेरे को ट्रैक से बाहर करना पड़ेगा। क्या हो रहा है गाइस आज ये? अब तक तो यहाँ पे दो हेलीकॉप्टर्स हार चुकी है, अब आ चुकी है हमारी एकदम ब्रांड न्यू एक्सपर्ट हेलीकॉप्टर। ओ भाई हमारा एक्सपर्ट हेलीकॉप्टर तो काफी अच्छे से फ्लाई कर रहा है। ये देखो गाइस, इसको मैं अच्छे से कंट्रोल भी कर पा रहा हूँ पर ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। देखो इस तरीके से गोल गोल ये अपने आप घूम रहा है। इसको धीरे धीरे से लैंडिंग पैड पे नीचे उतारते हैं। नहीं उतर पा रहा है गाइस सही जगह पे, फिर एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं सही से उतर पाएगा या फिर नहीं। ओ तेरी भाई गलत जगह पे ही उतर रहा है। आप देखते हैं ये देखो गाइस, थोड़ा सा ये बाहर आकर यहाँ पे लैंड हुआ है। ठीक है अब देखते हैं यहाँ पे ये सही तरीके से लैंड हो पाएगा या फिर नहीं, फिर एक बार इसको फ्लाई कराते हैं इधर से। ये दूसरे लैंडिंग पैड पे मैं एकदम सेंटर में इसको लैंड कराने के लिए ट्राई करूंगा। ये हेलीकॉप्टर थोड़ा सा भारी भरकम मेरे को लग रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा मैं इसको आगे लाने वाला हूँ। ये आ रहा है आगे, ये उतर चुका है भाई साहब। अब देखते हैं गाइस क्या ये हेलीकॉप्टर ये टेबल के नीचे से निकल के वहां तक जा पाएगा या फिर नहीं। चलो फ्लाई करा रहा हूँ इसको मैं अभी। ये फ्लाई कर चुका है, आगे लेके जाते हैं इसको इसी तरीके से। ओके आगे बढ़ा रहा हूँ इसको मैं ऐसे ही। ये देखो गाइस आगे जा रहा है हमारा हेलीकॉप्टर, ऐसे ही आगे जा रहा है और आगे जा रहा है। तो यहाँ से अच्छा आप टर्न ले लेते हैं। ओ तेरी भाई 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 साहब, ये कोन से टकराने के कारण इसका बैलेंस पूरी तरीके से खराब हो गया था, इसने कोन को भी दूसरी तरफ गिरा दिया है। यहाँ पर आकर ये रुक चुका है। तो अब हमारे नए हेलीकॉप्टर को भी ट्रैक से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है जब फ्लाई कराते हैं ये सस्ते से हेलीकॉप्टर को, देखते हैं ये ट्रैक के ऊपर कितनी दूर तक फ्लाई करके जा पाएगा। ओके स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसको, स्टार्ट हो चुका है हमारा हेलीकॉप्टर। इसकी बैलेंसिंग काफी सही है यार, देखो ओ माय गॉड काफी सही जगह पे इसने लैंड किया है। ठीक है फिर से टेक ऑफ कराने वाला हूँ मैं इसको। ये टेक ऑफ कर चुकी है हमारी हेलीकॉप्टर। अब इसकी नोज को मैं बिल्कुल लैंडिंग पैड के सीध में कर लेता हूँ। आगे लेके जा रहा हूँ मैं इसको, और थोड़ा आगे लेके जाते हैं, थोड़ा सा टर्न करा लेते हैं। अब आगे लेके जाते हैं, लैंड कराते हैं। ओ माय गॉड कितनी आसानी से यहाँ पर आकर ये लैंड हो चुकी है यार। भाई ये हेलीकॉप्टर तो हमारी एक्सपर्ट हेलीकॉप्टर से भी अच्छे से फ्लाई कर रही है। फिर से इसको टेक ऑफ कराता हूँ मैं। अब देखते हैं गाइस क्या है टेबल के नीचे से आराम से निकल पाएगी या फिर नहीं। ओके गाइस आके लेके जाते हैं इसको ऐसे ही। ओ थोड़ा सा बाहर हो गई थी ये, सीधा कर देता हूँ मैं इसको। अब देखो गाइस ऐसे ही आगे बढ़ाने वाला हूँ। भाई ये तो काफी ज्यादा हिल रही है यार, ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं इसको। ओके यहाँ से अब मेरे को टर्न कराना पड़ेगा, ये टर्न करा दिया मैंने। ओ तेरी ओ भाई ये हेलीकॉप्टर भी कहीं क्रैश ना हो जाए। देखो गाइस पूरी तरीके से ये दीवार से टकरा रही थी। ओ माय गॉड इतना दीवार से टकराने के बाद भी देखो ये बिल्कुल भी क्रैश नहीं हुई है। ये पहले रिंग में से निकल चुकी है गाइस हमारी हेलीकॉप्टर। ओ हो 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 भाई ये क्या हो गया इसके साथ गाइस, ये देखो अचानक से अपने आप ही घूमने लग रही है। ओ माय गॉड पता नहीं यार इसको क्या हो गया था भाई, सिर्फ एक रिंग बचा था ये वाला। सैडली इसको भी ट्रैक से बाहर करना पड़ेगा। पर अभी तक 5 हेलीकॉप्टर्स यहां पर आकर फेल हो चुकी है। देखते हैं गाइस क्या अब ये साइमा हेलीकॉप्टर फ्लाई कर पाएगी या फिर नहीं। अभी इसको फ्लाई कराने वाला हूं मैं। ये देखो गाइस टेक ऑफ करने वाली है। ओ माय गॉड काफी आराम से टेक ऑफ कर चुकी है। ये देखो गाइस अपने आप ही ये होवर करती रहती है, ठीक है ड्रोन के जैसा। अब इसको फ्लाई कराना भी काफी ज्यादा इजी है। ओ भाई क्या ही कमाल की हेलीकॉप्टर है यार, देखो एग्जैक्टली सेंटर में इसने लैंड किया है। दूसरी हेलीकॉप्टर उधर इधर लैंड कर रही थी। भाई इसको मैंने जहां पे लैंड कराने के लिए ट्राई किया था इसने वहीं पे ही परफेक्टली लैंड किया है, ठीक है। वापस से मैंने इसको ऊपर फ्लाई करा दिया है, थोड़ा सा नीचे लाते हैं। अभी देखो ये दूसरे वाले टारगेट के ऊपर इसको लैंड कराने के लिए ट्राई करेंगे। अरे बाप रे इसको बोलते हैं यार असली हेलीकॉप्टर। देखो गाइस परफेक्टली इसने यहाँ पे भी लैंड कर दिया है। ठीक है गाइस अब देखते हैं क्या ये टेबल के नीचे से निकल पाएगी या फिर नहीं। ऑलमोस्ट सभी हेलीकॉप्टर यहाँ पर आकर क्रैश हो रही थी। अभी देखते हैं गाइस क्या है नीचे से निकल पाएगी या फिर नहीं। ओ माय गॉड गाइस बड़ी आराम से ये यहाँ तक पहुंच चुकी है। भाई मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सिंगल अटेम्प्ट में ही देखो गाइस ये हेलीकॉप्टर इस तरीके से निकल के आ जाएगी। ओ भाई दीवार से टकरा गई थी यार, देखो टकराने के बावजूद भी इसको कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं गाइस ये रिंग्स में से निकल पाएगी या फिर नहीं। एक रिंग में तो काफी आराम से निकल चुकी है,
अब ये दूसरा वाला रिंग है, ओ माय गॉड, ये हेलीकॉप्टर है सबसे ज्यादा खतरनाक। इसकी स्टेबिलिटी तो यार बहुत ही ज्यादा कमाल की है भाई, देख रहे हो इतनी छोटी सी हेलीकॉप्टर, यार मजा ही आ गया इसको फ्लाई करा के। इसने एकदम परफेक्टली ये जो मैंने ट्रैक बनाया था इसके ऊपर से निकल के यहाँ तक पहुंच चुकी है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर को भी फ्लाई करा के देखा है, ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी प्रॉपर तरीके से ये ट्रैक के ऊपर से नहीं निकल पा रही थी भाई। फिर मैंने ये सबसे ज्यादा स्टेबल जायरो सेंसर वाली हेलीकॉप्टर को भी फ्लाई करा के देखा है, ये हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर आकर बार बार टकरा रही थी। तो गाइस फाइनली देखो ये हेलीकॉप्टर यहाँ तक पहुंच पाई है, अब देखते हैं क्या ये वेट भी उठा सकती है या फिर नहीं। ये टेक ऑफ कराते हैं, अरे भाई ये देखो कितना ज़्यादा शेक कर रही है, ठीक है उठाते हैं इसको। ओहो हो हो भाई साहब ये वेट नहीं उठा पा रही है क्योंकि ये हेलीकॉप्टर खुद बहुत ही ज़्यादा हल्की फुल्की है। ओके गाइस अब देखते हैं क्या ये C-186 हेलीकॉप्टर ये वेट को उठा पाएगी या फिर नहीं। स्टार्ट करते हैं इसको, ये टेक ऑफ कर चुकी है। ओ तेरी भाई, इसके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी था यार। ये हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा भारी भरकम होने के कारण ज्यादा वेट भी उठा सकती है। देखो नीचे जो वेट मैंने लगाया था ये काफी ज्यादा हिल रहा था, फिर भी हमारी हेलीकॉप्टर ने इसको काफी सही तरीके से बैलेंस कर लिया था एक जगह पे फ्लाई कराते कराते। अब देखो यार इसको मैं धीरे धीरे से टेबल के ऊपर लैंड कराने वाला हूँ। ये देखो भाई मजा आ गया यार, बहुत ज्यादा पावरफुल है C-186 हेलीकॉप्टर। फिर दोस्तों मैंने ये हेलीकॉप्टर के साथ भी वेट उठा के देखा है, ये हेलीकॉप्टर भी उठा रही थी और ये हेलीकॉप्टर भी काफी ज्यादा वेट उठा सकती है। बाकी गाइस आप यहां पे देख सकते हो ये तीनों हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा वेट उठाने के लिए ही बनाई गई है। तो वैसे गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आज की वीडियो में आपको इतने ढेर सारे हेलीकॉप्टर्स में से कौन सी हेलीकॉप्टर सबसे ज्यादा परफेक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल लगी, नीचे कमेंट करो। चलो गाइस अभी मैं देने वाला हूं शाउट आउट। पहला नाम है आकाश, जिशान, शुभम, आरिज, आर्यन, सामर्थ, प्रसन्ना कुमार, प्रज्वल, रचित, वैभव। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।